दिव्या दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिव्या, कहा यह जाता है कि वक्त के साथ हर जख्म भर जाता है, लेकिन जितना वक्त लगता है हमारी न्यायिक प्रक्रिया में मामले को आगे बढ़ने में, क्या कहेंगी आप उस वक्त में जो जख्म है एक पीड़िता के, वो भरते हैं या और हरे ही रहते हैं? देखिए, मुझे लगता है अभी हम लोग भी इतना सब बहुत ज़्यादा ये कर रहे हैं कि अभी हमें कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। दो चार दिन में हम भी अपने काम में मसरूफ़ हो जाएंगे, कहेंगे अरे बहुत सैड बात हुई, बहुत गलत बात हुई लड़की के साथ, किसी को कुछ करना चाहिए, लेकिन सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। एक्चुअली इट शुड हैपन नाउ, अगर अब नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं होगा। सो क्या है, हमारे लॉज में, हमारे रूल्स में इतने सारे लूप होल्स हैं कि जो क्राइम करते हैं उन्हें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कुछ तो बीच का रास्ता निकल जाएगा, या जो विक्टिम है वो और उसकी फैमिली कितने धक्के खाने वाले हैं कोर्ट्स में, क्या हो जाएगा, तो खुद ही तंग होंगे, कहीं हार के थक के इतना इंतजार करके खुद ही रुक जाएंगे तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी। इतने लूप होल्स में आई थिंक वी शुड हैव वेरी स्ट्रिक्ट लॉज, इमीडिएट लॉज, फास्ट ट्रैक लॉज, जहाँ पर इमीडिएट एक्शन हो और अब हो। अब जो ये केस अभी हुआ है, जल्दी लगातार दिखा रहा है ताकि ये दर्दनाक घटना, किसी के जख्म दुनिया देख सके और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, सख्त कदम भी उठाए जाए। रुजन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुजन, आपसे जानना चाहूंगी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्या इसी वजह से विक्टिम को इंसाफ ही नहीं मिल पाता ऐसे मामलों में? या आई वुड 100% अग्री विथ यू, लेकिन लकीली हमारे गुजरात में ऐसे कुछ केसेस है, पार्टन रेप केस है। अभी सूरत में 2009 में एक केस हुआ था, एक लड़की का सुबह 5 बजे का, तो 3 परपेट्रेटर्स को था, उनको 6 महीने में सज़ा मिल गई थी। सो जैसे बताया, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ख़ास उसमें भी ये देखना जरूरी है कि वुमेन जज जो लॉयर्स हो वो भी लेडीज़ हो। और दूसरा, मेरा तो हमेशा ये कहना है कि ऐसे रेपिस्ट वालों को तो उनको लॉयर ही नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा, आई वुड लाइक टू एड ईयर कि जिस तरह ये सब हो रहा है एंड जिस तरह फियर ऑफ लॉ बिल्कुल नहीं है, और अभी हम लोग कह रहे हैं कि भाई उसको हैंग टू डेथ कर दो, पेनल्टी दे दो, फांसी दे दो, बट आई वुड लाइक टू से कि पेनल्टी तो मेरे, फांसी तो मेरे लिए बहुत सिंपल सी सजा है। मेरे को तो उल्टा ऐसा कहना है कि ये फांसी वाले चक्कर में जाओगे तो वापस 10 साल उसी में खेलोगे और वो अपने इसके जैसा होगा, कसाब जैसा होगा। उससे अच्छा बेटर है कि ऐसी आप सजाएं दो कि ताकि द होल्ड वर्ल्ड सीज टू इट। ऐसे कुछ, मैं तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स, बट अभी तो हमारे जो वुमेन के ह्यूमन राइट्स जो किल हो रहा है उसके लिए बोलने कि सामने वालों को ऐसी सजा देनी चाहिए, ऐसा टॉर्चर होना चाहिए जैसे कि 4x4 के रूम में उसको रख लो 5 साल और लेट पीपल सी के वो किस तरह जी रहा है, तो पता चले कि इतना टॉर्चर। जैसे पहले आपने ही बताया कि किसी लड़की ने अपनी आंख खोई है, किसी ने अपना लिप खोया है, बर्नाली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, ये शायद इस मामले पर और रोशनी डाल पाएंगी। बर्नाली, वैसे भी दुनिया भर में जो डेथ पेनल्टी है उसे लेकर वैसे एक लंबी चौड़ी बहस चल रही है, अगर हम उस बहस में ना पड़े तो भी लॉ किस तरीके से इन्फोर्स की जाए कि कम से कम वो एक डेटरेंट तो बने। देखिए, हमारे लॉ में, मैं कहूँगी लॉ में कोई लूपहोल्स नहीं है, बट इम्प्लीमेंटेशन हैज डेफिनेटली बीन अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। वन हैज टू फॉलो दीज अप एंड द ओनली सोल्यूशन फॉर दीज काइंड ऑफ केसेस आई थिंक इट वुड बी फास्ट ट्रैक कोर्ट। लूपहोल्स तो नहीं है आपका कहना ठीक है जी, बट द वे इट इज बीन इम्प्लीमेंटेड, अगर डेथ पेनल्टी की आप बात करते हो तो ये कोर्ट से वो कोर्ट जाता है, फिर छले प्रेसिडेंट तक जाता है, और प्रेसिडेंट भगवान जाने क्या होता है, कैसा होता है, और कैसी फिर वो ह्यूमन राइट्स। I was trying to put the same point. I was just saying that, you know, ye fast track court would definitely be a solution to some extent. Because ye fast track courts mein kya hoga ki day to day basis mein hearing hogi, the prosecutrix jo matlab victim hai, she should not tamper with the evidence. Usko immediately after the rape has been committed, she should get her medically test done. She should go to the police station and file an FIR immediately. And then it goes to the fast track court, day to day basis mein hearing hoke, it should speed up. The entire process should speed up. Bahut shukriya aap sabhi ka hamare sath is khas peshkash mein bane rehne ke liye। तो कुल मिलाकर सजा सख्त दी जानी चाहिए, सजा ऐसी दी जानी चाहिए ताकि हर किसी के दिल के अंदर खौफ बैठे कानून का। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद कैसे अंत होगा इस गुनाह का।